भी और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है टॉप 10 सिटीज इन राजस्थान यू मस्ट विजिट करली टेल्स। और ये वीडियो हमें सजेस्ट की है यश ने, तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। राजपूतों की शान राजस्थान, ऐसा इंडियन स्टेट जो जाना जाता है अपने कल्चर, राजपूतों की हिस्ट्री, उनका लाइफस्टाइल, बड़े बड़े फोर्ट्स और पैलेसेस, थार डेजर्ट, अरावली माउंटेन्स, राजस्थानी फोक म्यूजिक एंड नॉट टू फॉरगेट राजस्थानी खाने के लिए। दिस इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट शोज इंडिया एट इट्स मोस्ट कलरफुल, आइकॉनिक एंड एक्सोटिक बेस्ट। तो चलिए आज आपको राजस्थान की टॉप 10 सिटीज के बारे में बताते हैं जो आपको जल्द ही एक्सप्लोर करनी चाहिए। खम्मा घणी, तो अब जब हम राजस्थान चल ही रहे हैं तो सोचा क्यों ना आपका स्वागत राजस्थानी तरीके से किया जाए। शुरुआत करते हैं इंडिया की पिंक सिटी यानी जयपुर से, जो मोस्ट इंस्टाग्रामेबल सिटी भी मानी जाती है। दिल्ली से लगभग 4-5 घंटे दूर जयपुर लोग अक्सर जाते हैं, और जाएंगे भी क्यों नहीं। आखिर यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए इतना कुछ है कि आप थक जाएंगे, लेकिन जगह खत्म होना मुश्किल है। जिसमें स्टार्ट कीजिए चौकीदानी पर हार्टी राजस्थानी खाना खाने से, और इसी के साथ साथ एक्सप्लोर करिए 300 साल पुराना गॉर्जियस हवा महल, सिटी पैलेस, आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, बापू एंड जौहरी बाजार एंड मेनी मोर सच स्टनिंग प्लेसेस। अब चलते हैं टुवर्ड्स अनदर सिटी ऑफ राजस्थान, उदयपुर, जिसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ की मेन अट्रैक्शन है द ब्यूटीफुल लेक्स। दिस पिक्चरेस्क लोकेशन एट द फुटहिल्स ऑफ अरावली माउंटेन्स इज होम टू वेरियस पैलेसेस, फोर्ट्स एंड सम मैग्निफिसेंट एंड पॉपुलर टेम्पल्स। ये सिटी अपनी वार्म हॉस्पिटैलिटी के लिए भी काफी जानी जाती है। और जब आप यहाँ हो तो सिटी पैलेस, पिचौला लेक, फतेह सागर लेक, जैसामंद लेक, सहेलियों की बाड़ी, द रॉयल विंटेज कार म्यूजियम और जगदीश टेम्पल जरूर जाइएगा। नेक्स्ट वन इज द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, जैसलमेर, जो टूरिस्ट और ट्रैवलर्स की मोस्ट लव्ड सिटी है। यहाँ का सबसे बड़ा हाईलाइट है थार डेजर्ट, where people go out for a desert safari and camel safari in the vast sand dunes of the desert. और हाँ, इस सिटी को गोल्डन सिटी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिटी इज बिल्ट विद गोल्डन कलर्ड सैंडस्टोन्स। जैसलमेर फेमस है अपने एशियंट आर्किटेक्चर, फोर्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, लोकल क्विजीन और राजस्थानी कपड़ों और सुविनियर्स की शॉपिंग के लिए। When you are here, you must visit जैसलमेर फोर्ट, पटवो की हवेली, बड़ा बाग, थार हेरिटेज म्यूजियम, सैम सैंड ड्यून्स और गड़ीसर लेक। अब बात करते हैं अबाउट द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान, जोधपुर, जिसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है। यहाँ आपको मोस्टली सारी बिल्डिंग्स ब्लू कलर में रंगी दिखेंगी। फिल्ड विद फोर्ट्स एंड टेम्पल्स, जोधपुर इज अ हिस्टोरिक डेस्टिनेशन विद प्लेंटी ऑफ अपील। एंड ट्रस्ट अस, आपका राजस्थान का ट्रिप अधूरा है अगर आपने जोधपुर का लार्जेस्ट और बेस्ट मेंटेन्ड मेहरानगढ़ फोर्ट नहीं देखा, जहाँ से पूरी जोधपुर सिटी का व्यू दिखता है। और जब आप यहाँ कुछ लोगों को राजस्थानी कॉस्ट्यूम पहने फोक सॉन्ग्स गाते और बजाते देखेंगे ना, तो आपको और भी मजा आएगा। एंड व्हेन यू आर इन जोधपुर, यू मस्ट आल्सो विजिट उमेद भवन पैलेस, जसवंत थड़ा, मंडोर गार्डन एंड कायलाना लेक। जब हम बीकानेर की बात करते हैं तो ये सिटी अपने मेस्मराइजिंग फोर्ट्स के साथ साथ अपने खाने, स्पेशली स्वीट्स और स्नैक्स के लिए भी काफी फेमस है। इट्स लिटरली अ हेवन फॉर फूडीज विद स्वीट टूथ। और बीकानेर का घेवर, केसर कुल्फी, बीकानेरी भुजिया और राज कचौड़ी खाए बिना आप नहीं जा सकते। विद दिस, डेजर्ट सफारीज आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन बीकानेर, एंड यू कैन राइड अ कैमल इन टू द डेजर्ट टू एक्सप्लोर द लोकल कल्चर एंड लैंडस्केप हियर। सम मस्ट विजिट प्लेसेस ऑफ बीकानेर आर जूनागढ़ फोर्ट, लालगढ़ पैलेस, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, करनी माता रैट टेम्पल एंड भंडासर जैन टेम्पल। नेक्स्ट वन इज चित्तौड़गढ़, जिसका नाम सुनते ही सबसे पहली चीज जो आपको याद आ रही होगी वो होगी फिल्म पद्मावत। इस फिल्म में राजपूतों की शान यानी चित्तौड़गढ़ फोर्ट और उसकी कहानी को बहुत अच्छे से दिखाया गया है।
और स्पेशली ये गाना जिसको सुनकर हम सबका मन करता है इस फोर्ट में जाने का। Chittorgarh is a very impressive and historic attraction of Rajasthan, which is a birthplace of many great warriors. और जब आप यहाँ जाएं तो you should definitely explore these places जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे, जैसे रानी पद्मिनी पैलेस, मीरा टेंपल, कालिका माता टेंपल एंड ऑफ कोर्स चित्तौर फोर्ट। अब बात करते हैं द होली सिटी ऑफ राजस्थान पुष्कर की, विच इज सेट टू बी द होम ऑफ ब्रह्मा। वैसे तो आप साल में कभी भी पुष्कर जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर नवंबर में, व्हेन पुष्कर कैमल फेयर हिट्स द टाउन। उस टाइम यहाँ का एटमॉस्फेयर और शोरगुल देखने लायक होता है, एंड देयरफॉर इट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू विटनेस एन ओल्ड ट्रेडिशनल इंडियन फेस्टिवल। पुष्कर में और भी कई मंदिर, घाट और ऐसी जगहें हैं जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए, जैसे ब्रह्मा टेम्पल, सावित्री माता टेम्पल, महादेव टेम्पल, मन महल, किशनगढ़, पुष्कर मार्केट और पुष्कर से थोड़ी दूर अजमेर की फेमस और काफी मानी हुई अजमेर शरीफ दरगाह। राजस्थान में लेट्स टॉक अबाउट द स्मॉल एंड रस्टिक टाउन ऑफ राजस्थान कॉल्ड बूंदी, जो फेमस है अपने स्टेप वेल्स, पैलेसेस, फोर्ट्स और वाटर टैंक्स के लिए। यहाँ का क्लासिक आर्किटेक्चर और एशियन आर्ट विल लीव यू अमेज्ड। जोधपुर की तरह बूंदी में भी आपको सारी बिल्डिंग्स ब्लू कलर में पेंट हुई दिखेंगी, और जब आप यहाँ जाएं, यू शुड डेफिनेटली सी द एक्स्ट्राऑर्डिनरी बूंदी पैलेस एंड ऑल्सो द फेमस स्टेप वेल्स, जो 15th सेंचुरी से भी ज्यादा पुराने हैं। एंड सम अदर टॉप अट्रैक्शंस ऑफ बूंदी आर रानी जी की बावरी, मोती महल, जैत सागर लेक, चित्रशाला, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सेट ऑफ ऑन अ वाइल्ड लाइफ सफारी एट रामगढ़ विजधारी सेंचुरी। अबारी है राजस्थान के ओनली हिल स्टेशन माउंट आबू की। यस, इट्स इन द डेजर्ट स्टेट ऑफ राजस्थान विच इज सिचुएटेड इन अरावली माउंटेन्स। जब फोर्ट्स, पैलेसेस, मंदिर, मार्केट्स और डेजर्ट सफारी लेने के बाद आपका मन करे कि थोड़ी ठंडी और लश ग्रीन जगह पर जाकर आराम किया जाए, देन माउंट आबू कम्स टू द रेस्क्यू। दिस हिल स्टेशन ऑफर्स एक्सेप्शनल व्यूज ऑफ द सराउंडिंग एरिया। और जब आप यहाँ हो तो नक्की लेक जरूर जाइएगा, where you can even rent an affordable paddle boat to get on the water and admire the view around. इसी के साथ इस हिल स्टेशन पर आपको और भी कई खूबसूरत जगहें दिखेंगी, जैसे सनसेट पॉइंट, दिलवारा जैन टेंपल, टोड रॉक, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुरु शिखर। द लास्ट वन येट द इम्पोर्टेंट वन इज सवाई माधोपुर, जो जाना चाहता है अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ऑल्सो फॉर अ वाइड रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये जगह परफेक्ट है हिस्ट्री बफ्स, वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट्स और नेचर लवर्स के लिए। व्हेन यू आर हियर यू मस्ट गो टू रणथंबोर नेशनल पार्क, व्हिच इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन इंडिया टू स्पॉट अ टाइगर लाइव इन द वाइल्ड। ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जो बुक्ड रहता है फ्रॉम अक्टूबर टिल जून एवरी ईयर। अपार्ट फ्रॉम दिस यू मस्ट गो टू चौथ माता टेम्पल, रणथंबोर फोर्ट, सुरवर लेक, चमत्कार टेम्पल एंड कचीरा वैली। Well, these are the top 10 cities which you must explore on your next trip to the incredible state of Rajasthan. और अब तो आप भी मान गए होंगे कि Rajasthan definitely has so much to become your favorite travel destination, जहां आपके और हमारे जैसे travelers के लिए ढेर सारी जगहें हैं to explore. With this, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो please like and share it with everyone and stay tuned to Curly Tales. This is Sonakshi Kalra signing off. वैसे तो इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कल्चर जो है उनमें जो है वो कहते हैं ना कूट कूट के भरा होना, इस तरह कल्चर जो है भरा हुआ है। लेकिन मैं राजस्थान की बात करूँ ना तो राजस्थान जो है ना मुझे भाई एक रॉयल स्टेट लगती है, क्योंकि वहाँ पे रॉयल के यानी कि जितने भी पैलेसेस देखें आप या जो स्ट्रक्चर देखें वो अभी तक बहुत वेल मेंटेन्ड है। वेल, मैं कहूँगी कि वन ऑफ माय फेवरेट डेस्टिनेशन, जहाँ पे मैं ज़रूर ट्रैवल करना चाहूँगी, जहाँ का कल्चर, जहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ का मैं कहूँगी कि खाना, मुझे हर चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और इवन कि अभी जब हम लोग वीडियोस देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नज़र आती हैं और वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल होती थी, बट हमें उस टाइम पर पता नहीं होता था
कि ये मतलब इसको क्या बोला जाता है, ये कहाँ का कल्चर है, ये किस तरीके से है। जैसे कि यहाँ पर भी जैसे वो पर्स वगैरह होते हैं, ये शॉर्ट्स होती हैं, तो वो राजस्थानी बेसिकली होती है। वो अब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है। बट ये यश ने हमें ये भी बताया था ईमेल में कि राजस्थान के जितने भी शहर हैं उसमें उन शहरों का नाम जो है ना, जैसे कि जोधपुर को ब्लू सिटी बोला जाता है, तो वहां की बिल्डिंग से कलर के अकॉर्डिंग जो है वो नाम दिया गया है। वैसे ये तो है, क्योंकि जयपुर को जो है पिंक सिटी बोला जाता है। वहां पे अगर आप देखें तो वहां पे आपको जो है बिल्डिंग्स तो वैसे में पिंक नजर नहीं आती, लेकिन जो है उनका कलर आप देखें ना तो वो इस तरह का आपको लगता है कि गोल्डन या पिंक टाइप जो है वो इस तरह का लगता है, तो इस वजह से शायद उसे दिया गया। लेकिन मैं अगर राजस्थान की बात करूँ ना, राजस्थान में आपको पहाड़, आपको जो है यू नो रेगिस्तान, फिर उसके बाद आपको हरियाली, हर चीज नजर आएगी। लेकिन जो है ना एक कंप्लीट स्टेट है, बस इसमें समंदर की कमी है। समंदर होता ना तो ऐसे बहुत ये है ना, इस लिहाज से देखा जाए तो जब हम लोगों ने गुजरात देखा था, गुजरात में भी तो तुम देखो ना कि हम लोगों वहां पर कच्छ भी हाँ नजर आता है, बिल्कुल। फिर रन ऑफ कच्छ, फिर उसके बाद हरियाली भी इतनी नजर आती है, मतलब हम लोग हैरान हो गए थे देखकर। यू नो फिर उसके बिल्कुल अंदर जो एक बहुत बड़ा रिवर भी है, क्या नाम था उसका, रिवर का मुझे नाम भूल गया अहमदाबाद से जो साबरमती है। हाँ रिवर, साबरमती रिवर, वो भी तो मतलब अगर एक स्टेट के बारे में बात करें, एक तो बहुत बड़ी बड़ी स्टेट है, ठीक है, हाँ और उसमें आपको मैं कहती हूँ वैरायटी नजर आती है। क्या आपका दिल कर रहा है, जिस आपका मूड जो स्विंग करता है कि भाई आपको इस जगह पर जाना, उस जगह पर जाना, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चले जाते हैं। बट राजस्थान की ना स्पेशलिटी वाकई में ये है कि जैसे मौसम बोला कि वहां पर जगह पर रॉयल फीलिंग आती है, ये जो ही वहां कहता के है। पैलेसेस हैं, जो वहां के फोर्ट्स हैं, लेक्स देखें। और अभी लास्ट टाइम पर हम लोगों ने जो तानिया की वीडियो भी देखी थी उसमें भी हम लोगों ने कितनी खूबसूरत जगहें देखी थी। तो मुझे वाकई में लगता है कि राजस्थान ना अब वो काफी मेस्मराइज कर देता है। मुझे मुझे तो राजस्थान में जो है ना उसकी सबसे खूबसूरती यही लगती है कि उनका जो एक कल्चर है वो बहुत ज्यादा मेंटेन्ड है। फिर उसके बाद उनके जो एक पैलेसेस हैं, उनकी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है वो बहुत ज्यादा जो है उन्होंने अच्छे तरीके से रखी हैं। जैसे हमने इतने ज्यादा ब्लॉग्स देखे हैं वहां पर, जो राजस्थान की जितनी भी पैलेसेस हैं, जितने भी फोर्ट्स हैं, वो अगर अभी भी आप उनकी कंडीशन देखें ना वो बहुत अच्छी और है। इसका क्रेडिट सारा के सारा मैं कहती हूँ स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट जाता है। गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हेरिटेज को, कल्चर को, हर चीज को प्रिजर्व किया, मैं कहती हूँ कि बहुत खुशकिस्मत है इंडियंस इस मामले में वाकई में, कि उनको इतनी सारी चीजें जो उनसे हैं वो देखने का मौका मिलता है, कि जो हमारे एंसेस्टर्स के पास रही हैं। तो ये एक अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है उस कंट्री की जो अपने अपनी हिस्ट्री को, अपने कल्चर को जिंदा रखता है। और जहां तक बाकी सारी प्लेसेस हैं, मुझे वैसे ना राजस्थान का एक जो मूवी हम लोगों ने देखी थी ना उससे सही अंदाजा हुआ था, स्पेशली अगर जोधपुर की भी बात करूँ, उसमें भी था जो उसकी वो मूवी थी यार, परिणीति चोपड़ा की थी, और साथ में सुशांत सिंह राजपूत भी थे, और उसमें शुद्ध देसी रोमांस। हाँ शुद्ध देसी रोमांस, मैं हमेशा नाम भूल जाती हूँ इस मूवी का। बट ये कि उसमें काफी ज्यादा राजस्थान दिखाया गया था, तो मतलब तब से मुझे मेरे जहन में कि राजस्थान एक डिफरेंट जगह है। यार अगर बॉलीवुड की बात करें ना, तो बॉलीवुड से जब कुछ मूवीज ऐसी देखते हैं जिसमें जो है खास पर हिस्ट्री को जब दर्शाया जाता है तो बहुत आपको अच्छा लगता है। एक तो वो मूवीज देखे, और फिर जब उसके बाद आप वो शहर देखते हैं ना तो या वो जगहें देखते हैं आपको और यू नो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो चीजें अभी भी उसी तरह रखी गई हैं। जैसे कि हम चित्तौड़गढ़ की बात करें तो नो डाउट इस शायद हमें कहीं ना कहीं पास्ट में नाम सुना हो कहीं पे, लेकिन जब पद्मावत मूवी आई थी तो हमें तब बेसिकली पता चला था कि भाई चित्तौड़गढ़ भी जो है वो कोई शहर है, कोई जगह कोई है। जगह है। टोटल जो राजस्थान के सिटीज हैं वो 19 हैं, उसमें से 10 के बारे में तो हम लोगों ने देखे, मतलब बिल्कुल 19 है लिस्ट में, मैंने ये हाँ देखा, नाइनटीन ही है, मतलब थोड़ा नाइनटीन ही सा है। हो गया कि कहीं नहीं नहीं गलत तो नहीं नाइनटीन ही बता है। दिया। और जो है वैसे तो बहुत सारे शहर मशहूर हैं, लेकिन जो है कोटा जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि राजस्थान में ही हाँ है वैसे कोटा क्यों मशहूर है मौसम, यूपीएससी के हाँ लिए। एजुके, हाँ मतलब जो मैंने भी ये देखा कि काफी ज्यादा वहां पर यू नो जाते हैं लोग लोग तैयारी हाँ करने। तैयारी करने के लिए। वेल गाइस ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी, हम लोग थोड़ा डाउन भी फील कर रहे थे, आई मीन जो पहले वीडियो इससे पहले हम लोगों ने देखी है जो कल इंसिडेंट हुआ, लेकिन ये कि अब ये वीडियो देखा है तो थोड़ा बेटर फील हो रहा है। एनीवे गाइस आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को, और कौन कौन राजस्थान के कौन कौन से सिटी से बिलोंग करता है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ हमारे वीडियो लाइक हमारे चैनल सब्सक्राइब वीडियो शेयर प्रेयर्स। गुड बाय।